जबरेडा थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 से 4 गांव में हुई जहरीली शराब पीने के मौत के मामले में कई और मामले अभी सामने निकल कर आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी संख्या 19 के लगभग पहुंची है मृतकों की, वहीं घायलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आज सुबह से भी कई पेशेंट जो हैं रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती होने के लिए आए थे, जिनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए CMS के द्वारा उनको देहरादून और ऋषिकेश के आई सेंटर रेफर कर दिया गया है। आइए जानते हैं मृतकों के परिजनों से कि किस तरीके से इन लोगों को अभी सरकार से कोई मदद मिल पाई है या नहीं मिल पाई है, क्या मामला है ये जानना चाहेंगे। आपके मरीज का नाम जारू, किस तरीके से उसकी मृत्यु हुई थी और क्या पूरा मामला था? ये इधर बालूपुर गांव में 13वीं में गए थे, वहाँ पे जो जहरीली शराब थी उससे ऐसा हो गया, इकट्ठी हमारे दो पापा जी संतुष्टि नहीं मिल पाई। जिस तरीके से आपके परिवार में से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, तो किस तरीके से परिवार में जो परिवार के लोग हैं वो सदमे में हैं और किस तरीके से वो जीवन आपका यापन कर रहे हैं? जी हम बहुत ही गरीब घर के हैं, यहाँ पे जो हमारे परिवार है और अब तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा या कोई ऐसा अधिकारी बात के लिए भी नहीं आया है। उसकी उम्र तो मतलब 25 साल के लगभग थी और परिवार में माँ जिंदी है, बूढ़ी माँ और अपना करना खाना वही था बस। महाराज जी मेरे भाई का नाम था विनोद कुमार जी, उसके 6 बच्चे जी, 4 लड़की, छोटी छोटी 2 लड़के हैं जी, छोटे छोटे, कमाने वाला कोई नहीं है जी, वही था अकेला, वही गुजर गया जी। परिवार के सामने किस तरीके का संकट खड़ा हो? बस जी बहुत संकट है जी, कोई कमाने वाला नहीं रहा उनके पास तो जी। मैं तो साबित वाली था, वहाँ से 3 लोग तो अभी गुजर चुके हैं, रात में 10-12 लोगों को भी यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल से रेफ़र किया गया है एम्स के लिए, और भी कई 1-2 लोग यहाँ पर अभी पड़े हुए हैं, उन्हें वो भी सारे मामले के लिए सरकारी तंत्र ही जिम्मेदार है।